पांच दिनिया विदेश गस्तरे प्रधानमंत्री मोदी नाइजेरिया रे पहुंची। सेठारे मोदी को भव्य स्वागत प्रदान करा जायथिला। पांच दिनिया गस्तर प्रथम पर्याय ब्राजिल G20 समिट रे जोगदेवे प्रधानमंत्री। 2014 ठारो प्रधानमंत्री मोदी तृतीय ब्राजिल गस्त। नवंबर 18 एवं 19 रे ब्राजिल 19तम G20 समिट रे जोगदेवे। एथर G20 समिट रे सदस्य राष्ट्र रूपे प्रथम थर पई आफ्रिकन यूनियन देश समूह जोगदेवे। ब्राजिल G20 समिट रे प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक परिस्थिति रे भारतर आभिमुख्य कुने संबोधन करिवे। नाइजेरिया एवं गुएना गस्त करिए दुई आफ्रिकीय देश सहित द्विपाक्षिक संपर्क को सुदृढ़ करने आलोचना करिवे प्रधानमंत्री। तबे 56 वर्ष पर भारत प्रधानमंत्री गुएना यात्रा करुथिबारु एहा गुरुत्वपूर्ण बोली कहा जाउछि। सेभली 17 वर्षर व्यवधान भारत प्रधानमंत्री नाइजेरिया गस्त करिवे। एहा पर प्रधानमंत्री मोदी 19-21 तारीख रे नवंबर रु दक्षिण आफ्रिकीय देश गुएना गस्त करिवे। 1968 परठारु एहा भारतीय प्रधानमंत्री प्रथम गुएना गस्त हेबो। प्रधानमंत्री जी ने बोला ये बहुत अच्छा बना है और उन्होंने मेरे हाथ से पेन लेकर उस पर साइन किया अपना और वो बहुत खुश हुए। तो मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मुझे तो बहुत बहुत खुशी हुई मेरे। हम लोग इस दिन का कब से इंतजार कर रहे थे कि हमारे देश के गौरव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नाइजीरिया की धरती पर आए और हम सभी भारतीयों का उत्साहवर्धन करें। हाँ, हमने पीएम को संदेश दिया कि हम कितने गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। उनके आने से नाइजीरिया और भारत के संबंधों में बहुत बड़ा सुधार आने की उम्मीद की जा रही है और ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में विशेष तौर से भारत को काफी लाभ मिलेगा। मंत्री जी से मिलने के लिए लागोस से आया हूँ और ये हमें जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। उनको मिलकर, उनको देखकर बहुत हर्ष हुआ कि 17 साल के बाद नाइजीरिया में हमारे प्रधानमंत्री जी पधारे। जिस तरीके से उन्होंने आ करके हम सबका उत्साह वर्धन किया और यहाँ पर एक बहुत बड़ा भारतीय समुदाय है जो काफी समय से रह रहा है, काम करता है। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।